बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी शिवसेना। मुरादाबाद में आज शिवसेना के द्वारा महंगाई को लेकर विरोध दर्ज कराया है, साथ ही एसएसपी कार्यालय पर जाकर शिवसेना के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और भाजपा सरकार पर शिवसेना प्रमुख ने तंज कसा। प्रदर्शन में भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज शिवसेना के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाई है। साथ ही शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन एसएसपी मुरादाबाद को सौंपा गया। साथ ही शिवसेना ने भाजपा सरकार बको तानाशाही सरकार बताया और कहा कि ये सरकार गरीब असहाय की नहीं सुन रही है, जो मन में आता है ये सरकार वही करती है। साथ ही किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए कितना समय हो गया है और लगातार देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तीन काले कानून को वापस लेने के लिए, लेकिन भाजपा सरकार कानों में रुई लगाए बैठी है और ना ही गरीबों की कोई सहारा दे रही है। लेकिन इन सब का जवाब जनता जरूर देगी भाजपा सरकार को आगामी 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में। ब्यास समेत जनता इस भाजपा सरकार को जवाब देगी। साथ ही आज भारी संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। प्रत्येक जनपद में किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार सोई हुई है, किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। किसानों के बीच त्राही त्राही मची हुई है। इसीलिए जहां जहां किसान धरने पर हैं जिन जिन जनपदों में, वहां अपने प्रदेश पदाधिकारी पहुंचकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जब किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और किसान धरने पर बैठे थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय राउत साहब खुद पहुंचे थे और उन्हें समर्थन दिया था। आज भी मुंडा पांडे में जो किसान आंदोलन के रूप में किसान धरने पर बैठा हुआ है, आज पूरी शिवसेना इकाई मुरादाबाद की और उनके साथ मैं स्वयं भी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें समर्थन देंगे और उनके आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना साथ रहेगी। क्या मानते हैं? ये तानाशाही है, घमंड है, सरकार घमंड में चूर है और तानाशाही अपनी दिखा रही है। कोई भी व्यक्ति हो, मैं कहता हूँ किसान ही नहीं, कोई आम व्यक्ति भी अगर कोई अपनी मांग रखता है तो सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को उसकी मांग माननी भी चाहिए। लेकिन यहाँ तानाशाही और घमंड दोनों दिखाई दे रहे हैं सरकार के। ये अगर नहीं मानी जाएगी किसानों की मांग तो दोनों चीज़ें टूटेंगी, घमंड भी टूटेगा और तानाशाही भी खत्म होगी। किसान जवाब देंगे और जवाब देने का काम शुरू हो गया है। अगर किसानों से डरी हुई सरकार ना होती तो पंचायत चुनावों में जिस तरह से सूपड़ा साफ हुआ, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रशासन के मदद से सीटें जीतने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा या लोकसभा में ये नहीं हो सकता कि आप प्रशासन की मदद से चुनाव जीते जाएं। घमंड आपका टूटेगा और तानाशाही आपकी खत्म होकर रहेगी। पूरा सबक सरकार को मिलेगा, या तो सरकार किसानों की मांग को मानेगी नहीं तो सबक सरकार को मिलेगा, सरकार के जाने का समय तय हो जाएगा। शिवसेना किसानों के साथ है, किसानों की हर मांग के साथ है, किसानों के हर आंदोलन के साथ है।